कमल नाम है जी मेरा। सर, जो गोरक्षा उपचार केंद्र है, इसकी शुरुआत किस तरीके से की, क्या मन में ख्याल आया कि शुरुआत करनी चाहिए? मन में एक दिन संडे का दिन था, 2015 की बात है, क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते बॉल जो है किसी के शीशे पर जाके लगी, तो सब जो है साथी जो भाग गए वहाँ से, भागते भागते फिर दूसरा जो मेरे साथ का एक लड़का था श्रीधर शर्मा, वो कहता चल आधा घंटा अपने को यहाँ से तो निकलना ही है तो कहीं चल के आते हैं काम। गए खाजा खेड़ा की तरफ, एक बच्चा था और उसके पेट के अंदर भयंकर कीड़े किलबिला रहे थे, तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे तो स्मेल आ रही थी पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने देखा भी नहीं, तो कहता चल इसका ट्रीटमेंट। मैंने कहा तू पागल है, इसका ट्रीटमेंट अपने से थोड़ी हो, कोई डॉक्टर बुला के थे, डॉक्टर कोई है ही नहीं शहर में और जो हैं वो सरकारी हैं, वो इसका इलाज नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कैसे नहीं करेंगे, तू बुला। तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं था हमारे पास, तो कहता कुछ नहीं करना इसको, सिर्फ वो बैग में फिनाइल पड़ी है, 38 रुपये की फिनाइल आती थी, कहता ये फिनाइल पड़ी है और वो फिनाइल ला के मुझे दे दे। तो मैंने कहा मैं नहीं आता, मुझे मेरा तो जी घबरा रहा है इसको देख के। तो अब बाइक की चाबी उसके पास, मैंने कहा इतनी दूर पैदल कौन जाएगा, तो उस पैदल जाने के चक्कर से बचने के लिए मैंने उसको वो फिनाइल दी। जब फिनाइल डाली 2 मिनट बाद वो बच्चा शांत हुआ, शांत हुआ तो फिर वो बोलता कहता देख ये बेजुबान है, बोल के नहीं कहता इसको दर्द कितना था और अब इसका जो दर्द है वो कम हो रहा है, अगर आप हर दिन 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन निकाल लें, 2 घंटे ऐसे ही सड़कों पे जो भी बेस आ रहा है जिनको चोट लगे, कुछ नहीं करना सिर्फ फिनाइल या बीटाडिल भी डाल देंगे तो उससे भी इनका इलाज हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। तो उस दिन के बाद धीरे धीरे करते करते हम सड़कों पे निकले, जैसे देखते थे बीमार है क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, जहाँ भी दिखा बीमार है वहाँ बीटाडिन और इसका स्प्रे करने लगे। फिर सरकारी डॉक्टरों से मिले, डॉक्टर भारत भूषण जी वेटनरी सर्जन थे, वो अब उनकी ट्रांसफ़र हो गई, वो हमारी पूरी हेल्प करते थे और उन्होंने थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना शुरू किया। फिर 5, 7, 10 लोग, 11 लोग हुए सड़कों पे इलाज करते थे। उसके बाद ये 2018 के अंदर ये जगह हमें गवर्नमेंट ने दी। हाँ, तो अभी यहाँ पर आपके पास कितनी गायें हैं? आज की डेट में 419 गायें हैं। कोई रोड से एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुत्ते खा रहे हैं, बच्चे को छोटे को उनको ले आए, किसी के पाँव टूट गया, किसी को कैंसर, एक गाय हमारे पास कैंसर की भी है, 2 पहले भी आई थी पिछले साल, वो बची नहीं, पूरी हो गई। शहर वासियों का जो मतलब सेवादार बंदे हैं जो देख के गायों को उनका दर्द समझते हैं, वो हमें कॉल करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, उसके बाद हम जाके इलाज करते हैं। कई जगह देखा गया जो जिनके दुधारू पशु हैं खुले छोड़ते हैं, डेयरी वाले खास करके, वो क्या करते हैं सुबह दूध निकाला, डंडा मारा, चलो बाहर गए, और वो सड़कों पे आती है उनका एक्सीडेंट होता है। जब उनका इलाज करने जाते हैं जिसके ज़्यादा दूध है तो वो उस लालच में हमें इलाज भी नहीं करने देते, भाई नहीं ये हमारी गाय आप इलाज नहीं करोगे, तो हम उनको बोलते हैं आप करवाइए, हम अपने आप करवा लेंगे। उसके बाद जब पता लगता भी अब ये गाय दूध से भी जाएगी और जाएगी, 2-3 दिन कोई इलाज नहीं कराएंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर हमें फ़ोन आता है भी वो गाय कोई नहीं लेके, उसके बाद हमें लानी पड़ती है। अगर वही गाय पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो वो बच जाती शायद, लास्ट में आके वो गाय मरती हैं। कमल जी, जो गायें आपके पास आती है, चलो एक बीमार गाय आपके पास आ गई है, ठीक है, तो उसका बीमार से लेके जब वो एकदम से पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं? जो गायें 3 किलो से ज़्यादा दूध देती हैं हम उनको बाहर आसपास की जो गांव वाली गौशालाएं हैं उनमें हम दान देते हैं, या किसी गौशाला में कोई बीमार केस है तो वो एक केस बीमार लाओ और 2 बदले में स्वस्थ गोवंश लेके जाएं, एक नंदी और एक गाय। जैसा भी आपने बताया था कि 2018 में गवर्नमेंट ने आपको ये जगह प्रोवाइड कराई है, तो एक एवरेज के मुताबिक अपने 2018 से लेकर अब तक आपने कितनी गाय की रिकवरी अब तक कर ली है? लगभग हमने 1200 के नियर अबाउट गोवंश की रिकवरी कर ली है, जिसमें से कुछ तो हम वहीं ऑन रोड जहाँ इलाज होता है उनका वहीं करते हैं, चाहे वो दिन में 2 बार जाना पड़े या चाहे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो। और जो ज़्यादा सीरियस केस होते हैं उन्हीं को यहाँ लाते हैं, ज़्यादा सीरियस केस में जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो गोवंश बचता नहीं है, लेकिन यहाँ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और उनकी दवाई जो पानी जो भी करा जाता है वो यहीं किया जाता है, ताकि उसको पेन से रिलीफ मिले। वो एक्सपेंस हमारे कुछ तो दानी सज्जनों के द्वारा दिया जाता है, कुछ हमारे डोनेशन बॉक्स लगे हैं शॉप पे घरों में उस हिसाब से, और दवाइयों की जो ज़रूरत रहती है, कुछ दानी सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने कह रखा है हमसे सिर्फ दवाइयां आप ले सकते हो, तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो सर, आपके संस्था में ऐसे कितने गोवंश हैं जिसका प्रॉपर ढंग से उपचार आप करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे जिनका उपचार नहीं हो पा रहा? हाँ, कैंसर का हमने नागौर जो विश्व चिकित्सालय है उनका, उनसे भी हमने बात की, और हिसार के अंदर एक हॉस्पिटल खुला है उनसे भी बात की, तो सभी ने यही रिस्पॉन्स दिया भी आप इसका डेली जो है ड्रेसिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी ड्रेसिंग ही चलेगी और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रेसिंग देंगे और इनको पेन किलर दिया जाएगा ताकि वो जख्म आगे बढ़े ना। जैसे ये गाय है, ये तारा बाबा की कुटिया गाय है, एक दिन रात को इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये घर की गाय है और इसके पीछे जो है शरीर बाहर निकल के कुत्ते खा गए थे और रीढ़ की हड्डी में इसके चोट आई थी,
तो डॉक्टरों ने, सारों ने, सरकारी डॉक्टर से भी हमने हेल्प ली, उन्होंने कहा भी ये बचनी मुश्किल है। लगभग 3 महीने तक हमने इसकी सेवा की और 3 महीने बाद ही अपने पाँव पे खड़ी होने लग गई, जो कि पहला रिकॉर्ड हमारा ये इस गैया मैया का। और आज ये गैया मैया हमारी पूजनी है, जितने भी त्यौहार आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूजनी है ये। किसी को ना तो डांटती है ना मारती है, बड़े प्यार से सबको अपना प्यार देती है। इसको लगभग 3 साल हो गए जी, तारा बाबी कुटिया के पास। और हमारा ये शेड कच्चा था, उसके अंदर इसको लगभग 3 से 4 महीने उसमें रखा था। बरसात के अंदर पानी सब कुछ, मतलब व्यवस्था उस टाइम बिगड़ी हुई थी, लेकिन इस गैया मैया ने पूरा हौसला रखा और लास्ट में खड़ी हुई। ये मशीन है जो इसके अंदर हम खड़ा करते हैं उनको। कमल जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि एक साइड क्या है कि आप जो गोवन श्याम की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग, यानी कि एक उनमें अभी भी जागरूकता नहीं है, ठीक है, तो क्या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों की वजह, मतलब आप लोगों के जरिए से भी, हर आदमी हर घर के अंदर एक इंसान जो है वो गौशाला जाए, और कुछ नहीं ना कर सके तो सुबह सुबह 1 घंटा वो गौशाला के अंदर दें, तो धीरे धीरे करके उनकी भी जो आस्था है वो इसके प्रति बढ़ेगी।